इस वीडियो में देखेंगे एन चैनल मॉस्फेट, पी चैनल मॉस्फेट जो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एसएमडी मॉस्फेट। मॉस्फेट के कई सारे टाइप्स होते हैं जो ऐसे हमारे पावर सप्लाई में, एसएमपीएस में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर मॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। बट लैपटॉप में जो मॉस्फेट यूज़ किया जाता है वो एसएमडी मॉस्फेट होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है? क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था, तो मैंने बोला कि उनको अगर ये पता नहीं है तो उनके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, जो उन्होंने मुझसे डिमांड किया। तो उन्होंने बोला था कि सर मॉस्फेट के बारे में बताने के लिए एन चैनल पी चैनल को कैसे चेक किया जाता है और किस मॉस्फेट में कितने वोल्टेज आते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट को पहचान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मॉस्फेट नहीं पहचान पाते, बोर्ड में को मॉस्फेट लगा हुआ है और ये नहीं पता कि वो मॉस्फेट पी चैनल है या एन चैनल है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको, कोई बड़ी मॉस्फेट की थ्योरी क्लास नहीं देकर, आपको पहला क्वेश्चन मैं ये बताने जा रहा हूँ उसका आंसर कि हाउ टू आइडेंटिफाई मॉस्फेट, मॉस्फेट को कैसे पहचाने कि वो एन चैनल का है या पी चैनल का। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर, जैसे कि ये मॉस्फेट है आप देख सकते हैं आपके सामने, इस मॉस्फेट के अंदर ये एरिया ड्रेन है और ये तीन एरिया सोर्स है। दिस इज अ ड्रेन, क्योंकि ड्रेन में हमेशा चार पिन होता है, देख सकते हो चारों पिन आपस में, ये ट्रैक हमें पता कर रहा चल रहा है इससे कि चारों ये कनेक्टेड है और इसके बीच में ये तीन कनेक्टेड है और बीच में एक गैप है, दैट मीन दिस इज अ गेट और ये हो गया सोर्स। तो मॉस्फेट में आपके ये नाम होते हैं जो कि टर्मिनल के नाम होते हैं, पेयर होते हैं ड्रेन पेयर, सोर्स पेयर एंड गेट। तो अब यहाँ पे जो ये मॉस्फेट लगा है ये कौन सा है, एन चैनल या पी चैनल? तो आपके पास मल्टीमीटर होगा, एमएमटी, एमएमटी का मतलब है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में दो प्रोब होते हैं, एक होता है रेड प्रोब और एक होता है आपका ब्लैक प्रोब। आपको क्या करना है, याद रखना, सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपका रेड प्रोब ड्रेन पे है, अगर आपका प्रोब रेड प्रोब ड्रेन पे है और मल्टीमीटर में आपको वैल्यू शो होती है, वैल्यू कितनी वैल्यू, तो आपको 450 से 600 के लगभग, 450 से 600 के अराउंड आपको अगर वैल्यू नज़र आती है रेड प्रोब को ड्रेन पे रखने पे, ब्लैक प्रोब को सोर्स पे रखना है और मल्टीमीटर में अगर वैल्यू आती है इतना जो मैंने रेशियो लिखा है, इसका मतलब है वो पी चैनल है। तो सिंपल आप एक ट्रिक है कि रेड प्रोब जिस भी टर्मिनल पे होगा, चाहे वो ड्रेन होगा या सोर्स होगा, रेड प्रोब को आप जिस भी टर्मिनल पे रखो और अगर मल्टीमीटर में वैल्यू आ जाए तो वो आपका उसी तरह से, अगर रेड प्रोब ड्रेन पे है तो पी चैनल, अगर आपका रेड प्रोब सोर्स पे है तो एन चैनल। एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस चीज को याद रखो कि आपका रेड पे कौन सा प्रोब आ रहा है, सॉरी ड्रेन पे आपका जो मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट पे ड्रेन पे आप कौन सा प्रोब रखते हो और आपके मल्टीमीटर में वैल्यू आ जाता है। अगर आप रेड पे रखते हो और वैल्यू अगर आ जाता है, अगर आप रेड पे रखते हो, ड्रेन पे रेड रखते हो और वैल्यू आ जाता है तो वो पी चैनल है, अगर आप ड्रेन पे ब्लैक रखते हो और वैल्यू आ जाता है तो एन चैनल है, क्योंकि रेड को हम पॉजिटिव कहते हैं और ब्लैक को हम नेगेटिव कहते हैं। तो उसी तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो कि मेरा रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कहाँ पे है, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब के अनुसार आप इसको देख सकते हो। ठीक है, एक बार लास्ट बार बता देता हूं मैं, रेड प्रोब अगर आपका ड्रेन पे है और अगर मल्टीमीटर में वैल्यू आ जाए तो पी चैनल, अगर ड्रेन पे आपका ब्लैक प्रोब है और अगर वैल्यू आ जाए तो एन चैनल।
क्योंकि दूसरा प्रोब आप सोर्स पे रखोगे। ठीक है, तो एन चैनल और पी चैनल को ऐसे ही पहचानना है। अगर आपके पास बोर्ड और मल्टीमीटर है तो पहचानने की कोशिश करें, और आपको अगर उसमें अभी भी पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप मुझे कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सेकंड क्या है, चाहे वो 3 लैक मॉस्फेट के बारे में भी बता देता हूँ कि जो ये 3 लैक का आप देख रहे हो, 3 लैक में आपके लैपटॉप मदरबोर्ड में मॉस्फेट भी होता है, 3 लैक की बात कर रहा हूँ मैं, और ट्रांजिस्टर भी होता है, ट्रांजिस्टर एंड डायोड भी होता है। 3 लैग जो बोर्ड पे लगे होते हैं हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड पे, वो या तो मॉस्फेट हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है या डायोड हो सकता है। अगर वो मॉस्फेट है तो कैसे पता करें? तो देखो, अगर वो मॉस्फेट है तो आपको याद रखना है जो आपके लेफ्ट साइड होगा, मतलब मैं यहाँ पे पिक्चर बना रहा हूँ, देखो 3 लैग का, इसमें 3 है, 1 2 3, आप ऐसे काउंट कर लो या जैसे मर्जी काउंट कर लो आप। इन दोनों के सामने ये जो आपके ये दो पेयर दिख रहे हैं, दो पिन दिख रहे हैं, दो पिन में से जो लेफ्ट साइड वाला पिन होगा, जैसे कि अभी मेरे सामने ये लेफ्ट है, दिस इज अ लेफ्ट साइड, तो मॉस्फेट में हमेशा लेफ्ट साइड मॉस्फेट का गेट होता है। 3 लैग में काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, 3 लैग वाले मॉस्फेट में गेट कौन सा है? आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो आपका गेट होगा, एंड जो बच गए उसमें नीचे वाला ये सोर्स होता है, ऊपर वाला ड्रेन होता है। तो आपको क्या करना है, सेम उसी तरह अपने रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब को कहाँ पे रखते हो? गेट को तो आप छोड़ दो, अपने मैंने बता दिया ना 3 लैग में गेट कौन सा होता है, तो अब आप इसे याद रख लेना। अब दो पिन बच गया, एक ड्रेन एक सोर्स, तो इसको भी कैसे पहचानोगे, एन चैनल या पी चैनल? जैसे मैंने अभी 8 लैग वाले मॉस्फेट में बताया कि रेड प्रोब को अगर आप ड्रेन पे रखते हो और वैल्यू आता है तो पी चैनल है, ब्लैक प्रोब अगर आप ड्रेन पे रखते हो वैल्यू आ जाता है तो एन चैनल है। जिस तरह से 8 लैग में पहचान करते हैं उसी तरह से 3 लैग में भी पहचान कर सकते हो। ठीक है, डायोड में ऐसा नहीं होगा। डायोड में क्या होता है कि आप अगर 3 लैग का डायोड है तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है 3 लैग के डायोड का, तो वो भी मैं हो सकता है कि सेपरेट 3 लैग के डायोड का वीडियो बना दूंगा आपको। कभी किसी को अगर किसी को डाउट है तो मुझे आप बता देना 3 लैग के डायोड में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको जरूर अपलोड करूंगा। देन मुझे मॉस्फेट के बारे में मैंने बता दिया, फिर उन्हीं का एक और क्वेश्चन था इसी में कि जो मॉस्फेट है हमारा वो कितना वोल्टेज जनरेट करता है, 8 लैग का या 3 लैग का? तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मॉस्फेट वोल्टेज जनरेट नहीं करता। ठीक है, मैसेज जो किया था मैं मैसेज को पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एन चैनल पी चैनल को कैसे चेक करेंगे ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन में। तो मॉस्फेट को ऑफ कंडीशन में चेक करने का मतलब यही है बेसिकली कि आपका जो मॉस्फेट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो मैं आपको मॉस्फेट का एक बार ओवरव्यू कराता हूँ। पहले मैं इसको ब्लैक स्क्रीन कर दूं, Ctrl Shift V। तो देखो मॉस्फेट जो होता है ना उस तरह का होता है, पिक्चर्स देखो आप मॉस्फेट के, मैं इंटरनल डायग्राम बना रहा हूँ। मॉस्फेट कुछ इस तरह का होता है, और मॉस्फेट के डायग्राम को देखकर भी आपको ये आइडिया लग जाता है कि पी चैनल या एन चैनल। एक मैंने यहाँ बना दिया, एक और मैं बना देता हूँ ऊपर, एक मैंने बना दिया इस तरह से। दो ही मॉस्फेट होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो एन चैनल पी चैनल को पहचानने का एक और तरीका है, ये जो आप एरो मार्क देख रहे हो ना ऊपर और एक नीचे, तो जो ऊपर होता है वो पी चैनल होता है हमेशा, इस बात को याद रखना, और जो नीचे होता है वो एन चैनल होता है। अब आप इसके अंदर देख सकते हो ये नीचे है, दैट मीन दिस इज एन चैनल मॉस्फेट। अगर आप प्रॉब लगा के नहीं चेक करना चाहते हो, अगर आप डायग्राम पढ़ रहे हो, तो पी चैनल एन चैनल को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ।
और जो ऊपर होता है वो पी चैनल होता है। बस आप इतना अगर याद रखते हो तो हमें काफी है हमारे समझने के लिए डायग्राम में पी चैनल एन चैनल। अब बात करते हैं कि ये ऑफ कंडीशन में चेक कैसे करना होता है। तो अगर आपका लैपटॉप बंद है तो ऑफ कंडीशन में चेक करने का मतलब ये है कि इसको कहते हैं पी चैनल में हम ड्रेन, इसको कहते हैं सोर्स, इसको कहते हैं एन चैनल में ड्रेन और इसको कहते हैं सोर्स। तो कभी भी क्या है, बेसिकली मॉस्फेट के अंदर एक डायोड है। तो जिस तरह से आप डायोड की टेस्टिंग करते हो, अगर आपको डायोड की टेस्टिंग पता है कि डायोड की वैल्यू एक तरफ से आती है और डायोड कभी भी आपस में बीप नहीं करता, जैसे एनोड और कैथोड कहते हो आप, उसी तरह से हम ड्रेन सोर्स कहते हैं। मॉस्फेट के अंदर भी तो एक डायोड ही है ना, तो हमें जिस तरह से डायोड का कॉन्सेप्ट पता है उसी तरह मॉस्फेट को भी चेक करना होता है। डायोड में एक साइड से वैल्यू आती है, मॉस्फेट में भी एक तरह से वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से वैल्यू आ गई तो आप ये समझ सकते हो कि आपका मॉस्फेट लीक हो गया है। अगर आपका मॉस्फेट में किसी भी साइड से वैल्यू नहीं आ रही है तो उसे कहते हैं मॉस्फेट ओपन हो गया है। और अगर मॉस्फेट दोनों तरफ से आता है तो दो कंडीशन होता है, या तो मॉस्फेट लीक हो गया है या तो मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है। तो एक कंडीशन और ऑफ कंडीशन में कभी भी मॉस्फेट का ड्रेन सोर्स कभी भी आपस में बीप नहीं करना चाहिए, और ना ही मॉस्फेट कभी भी ड्रेन टू गेट और सोर्स टू गेट कभी भी बीप नहीं करना चाहिए। मतलब गेट किसी किसी भी टर्मिनल से बीप नहीं करना चाहिए। लास्ट ये समझ लो कि कोई सा भी टर्मिनल किसी भी टर्मिनल से बीप नहीं करना चाहिए। अगर कोई सा भी टर्मिनल किसी भी टर्मिनल से बीप करता है उसका मतलब वो मॉस्फेट खराब है, चाहे वो ड्रेन टू गेट बीप कर रहा है, चाहे तू सोर्स टू गेट बीप कर रहा है, या सोर्स टू ड्रेन बीप कर रहा है, या ड्रेन टू सोर्स बीप कर रहा है। मॉस्फेट किसी भी एंगल से बीप नहीं करना चाहिए आपस में चेक करने पर। सेकंड, मॉस्फेट में एक साइड से ही वैल्यू आने चाहिए 400 से 600 के बीच में। ये तो हो गई आपकी ऑफ कंडीशन की टेस्टिंग। सेकंड, हमारा ऑन कंडीशन में मॉस्फेट को कैसे चेक करना है। तो ऑन कंडीशन में मॉस्फेट को चेक करने का सिंपल सा फंडा यह है कि मॉस्फेट को ऑन कंडीशन में क्या चीज चेक करोगे आप, कि वो वोल्टेज शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। ऑन कंडीशन में मॉस्फेट काम कर रहा है कि नहीं। तो वहीं पे एक सवाल आया था कि 8 लैग और 3 लैग पे कितने वोल्टेज आना चाहिए, 8 लैग और 3 लैग पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो पहले अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में पावर देने के बाद मॉस्फेट को कैसे चेक करना है। बेसिकली जो मॉस्फेट होता है ना, मॉस्फेट वोल्टेज नहीं देता है। ये जरूरी नहीं है कि 8 लैग का मॉस्फेट, 3 लैग का मॉस्फेट, कौन सा मॉस्फेट कितना वोल्टेज जनरेट करेगा। पहली बात, मॉस्फेट वोल्टेज जनरेट नहीं करता। आप समझो, आपने अगर 5 वोल्ट यहाँ से फ्लो करवाया तो इन फ्लो के बीच में एक मॉस्फेट को लगा दिया गया। मतलब आपने कहीं पे वोल्टेज का फ्लो किया तो वोल्टेज का फ्लो के बीचों बीच में एक मॉस्फेट लगा दिया गया। इस मॉस्फेट पे इधर जितना वोल्टेज है दूसरी साइड भी उतना ही वोल्टेज होना चाहिए। मॉस्फेट अपने अंदर से 5 वोल्ट निकाल के नहीं देगा, क्योंकि मॉस्फेट जो होता है, मॉस्फेट एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से आप अपने घर की बिजली का स्विच को समझते हो, मैं अगर सिंबल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से। मॉस्फेट का एक लेग, एक पेयर जो होता है, ड्रेन मान लो आप और एक सोर्स मान लो, चाहे ये वाला सोर्स या ये वाला ड्रेन। तो होता क्या है, आपने यहाँ से वोल्टेज की स्टार्टिंग की और वोल्टेज आके यहाँ पे आ गया। अब ये 5 वोल्ट अगर आपने दिया, या 10 वोल्ट दिया, या 19 वोल्ट दिया, एनी वोल्टेज दिया आपने इस जगह पे, ऑन दिस प्लेस, तो ये वोल्टेज दूसरी साइड जाएगा, सेम वोल्टेज जाएगा। लेकिन वो कब जाएगा वो डिपेंड होता है मॉस्फेट के गेट के ऊपर। क्योंकि मॉस्फेट जो जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक वोल्टेज शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपने इधर 5 वोल्ट दिया है और अगर आप इधर वोल्टेज कितना चाहते हो, 5 वोल्ट ही मिलेगा, 6 वोल्ट नहीं मिलेगा या 3 वोल्ट नहीं मिलेगा। मॉस्फेट कम नहीं कर रहा है, मॉस्फेट ज्यादा नहीं करता है। मॉस्फेट का काम हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर एज ए स्विच का काम होता है। वैसे मॉस्फेट का काम रेगुलेट करना भी होता है, लेकिन हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में 95% या 99% मॉस्फेट का काम एज ए स्विच। स्विच का मतलब एक वोल्टेज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं रहना, सेम टू सेम वोल्टेज रहना, इसे मॉस्फेट का काम कहते हैं हम।
ये वोल्टेज 5 वोल्ट यहां से आके इसको ब्लॉक कर दिया, दूसरी तरफ कब जाएगा? दूसरी तरफ तो अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मॉस्फेट ने तो ब्लॉक कर दिया ना इसको। तो जब तक इसके गेट को हम ऑन नहीं करेंगे, मॉस्फेट को जब तक ऑन नहीं करेंगे, जब तक ये 5 वोल्ट दूसरी तरफ 5 वोल्ट नहीं जाएगा। मॉस्फेट को जब ऑन कर दोगे आप, तो मॉस्फेट ऑन होने के बाद क्या होता है, ये तीनों टर्मिनल जो आप देख रहे हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। डायोड की तरफ से वोल्टेज नहीं जाता मॉस्फेट ऑन होने के बाद, मॉस्फेट ऑन होने के बाद इस तरह से वोल्टेज का फ्लो होता है। देखो ये तीनों आपस में जुड़ गए और ये वोल्टेज ऐसे करके बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वही 5 वोल्ट मिलेगा। मतलब वोल्टेज चाहे आप इसके बीच में वोल्टेज, अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट दे रहे हो और आप बीच में 3 लैक का मॉस्फेट लगा देते हो, तो यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ड्रेन पे दिया और इसका टर्मिनल इस तरह से है, तो वोल्टेज तो ब्लॉक हो गया। बीच में इस तरह से गैपिंग होती है, याद रखना, इस तरह से गैपिंग होती है, जिस तरह से ये एंगल बना है तो इसमें भी एंगल बना होता है। तो जब इसका गेट, ये गेट है, गेट को ऑन करते हैं तो ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से आपका 10 वोल्ट बाहर आ जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि वोल्टेज जो मॉस्फेट शिफ्ट करता है, कम करके नहीं करता, ज़्यादा करके नहीं करता, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर सेम टू सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज तभी दूसरी तरफ आएगा जब मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, ठीक है? चाहे वो 3 लैक का मॉस्फेट हो, चाहे वो 8 लैक का मॉस्फेट हो, या 10 लैक का मॉस्फेट हो, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। अब अगर आपने वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, जैसे कि काफी लोग यहाँ पे ये चीज क्वेरी कर रहे होंगे कि अगर हमने वोल्टेज यहाँ दे दिया, इस तरफ अगर आपने 10 वोल्ट दिया, तो क्या दूसरी तरफ 10 वोल्ट नहीं मिलेगा? तो देखो वोल्टेज तो मिलेगा, बट 10 वोल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे समथिंग 9.3 वोल्ट से लेकर 9.8 वोल्ट के अराउंड में मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये 10 वोल्ट जो है यहाँ से डायोड के लिए आएगा सबसे पहले, और डायोड के बारे में आपको पता होगा कि डायोड जो है वोल्टेज को ट्रांसफर कर देता है एनोड टू कैथोड, लेकिन एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पे, मतलब अपना एक लीकेज के साथ अपने आप को ऑन करने के लिए जो 0.7 से लेके 0.2 वोल्ट के बीच में लेना होता है वो रख लेता है, और जो बचेगा वो वोल्टेज आउटपुट कर देगा। मतलब इसके गेट पे आप परमिशन नहीं दोगे, उसके बावजूद भी वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन लीकेज के साथ। अगर आप लीकेज नहीं चाहते हो तो आपको इस मॉस्फेट को ऑन करना पड़ेगा। जब तक मॉस्फेट ऑन नहीं होगा आपको प्योर प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट में नहीं मिलेगा। मॉस्फेट में इनपुट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इनपुट एन चैनल है तो सोर्स पे होगा, ड्रेन पे होगा, और पी चैनल है तो सोर्स पे होगा। मॉस्फेट में इनपुट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो इधर हो जाए इनपुट या इधर हो जाए। अब आपको पता है कि इधर होगा तो मेरे को अभी वोल्टेज मिल जाएगा इधर लीकेज के साथ, बट अगर इस तरफ वोल्टेज आएगा इनपुट में, तो आउटपुट में जब तक गेट ओपन नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता। क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो होता है एन चैनल पी चैनल 3 लैक का या 8 लैक का, वो कैसे वर्क करता है, कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी वोल्टेज आ सकता है किसी भी मॉस्फेट के ऊपर, वो सर्किट है। सर्किट में एक वोल्टेज चल रहा है, चाहे 5 वोल्ट का है चाहे 10 वोल्ट का है, उनके बीच में मॉस्फेट लगा दिया जाता है। तो मॉस्फेट कोई सा भी लगा दिया जाए, 3 लैक का लगा दिया जाए या 10 लैक का लगा दिया जाए या 8 लैक का लगा दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि मॉस्फेट 8 लैक का लगाए तो कितना वोल्ट आएगा, 3 लैक का लगाए तो कितना वोल्ट आएगा। 8 लैग में भी कई बार 3 वोल्ट ट्रांसफर करता है, क्योंकि ज्यादातर आपने डायग्राम में देखा होगा जो छोटे वाले मॉस्फेट होते हैं वो ज्यादातर ऑन ग्राउंड को ज्यादा शिफ्ट करते हैं या 3 वोल्ट को शिफ्ट करते हैं। 8 लैग को आप देखते हो 19 वोल्ट में शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा डीसी टू डीसी का सर्किट लैपटॉप मदरबोर्ड में हो जाए, जो कि 8 लैग वाला मॉस्फेट ही आपका 3 से 3 वोल्टेज शिफ्ट करता है। तो मॉस्फेट में कोई सा भी मॉस्फेट कोई भी वोल्टेज लेकर दूसरी साइड डाल सकता है, फेंक सकता है, ठीक है? सेकेंड, आपने बोला था कि वोल्टेज को पावर में कैसे चेक करेंगे, तो पावर में चेक करने का मतलब सिंपल है कि आपका गेट वोल्टेज मिल रहा है उसको प्रॉपर या नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। मोस्फेट ऑन हो रहा है कि नहीं, मोस्फेट पे जो वोल्टेज आया एक साइड में वो दूसरी साइड मोस्फेट का वोल्टेज दूसरी साइड वोल्टेज गया कि नहीं गया, बस इसी तरीके से चेक करना होता है।
मेन मॉस्फेट को बिना पावर के ऑफ कंडीशन में चेक करना होता है कि वो मॉस्फेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन मॉस्फेट पे अप्रूव करनी होती है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको मॉस्फेट के बारे में जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आप में से क्यों सभी लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, काफी लोग वीडियो देखते हैं मेरा, तो उनको अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से इस वीडियो को हम करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।